इंडिया के ट्रेडर्स ही नहीं दोस्तों, पूरे दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स की नजर इंडियन क्रिप्टो बिल पे थी। भैया बिल कब आ रही है? मार्केट में बहुत बड़ी हलचल होने वाली थी इंडियन क्रिप्टो बिल को लेकर के, लेकिन दोस्तों एक ब्रेकिंग अपडेट निकल के आ चुकी है इंडियन क्रिप्टो करेंसी बिल के रिगार्डिंग, जिसे जान करके आप सभी थोड़ा सा खुश जरूर से हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हर एक लोगों की नजर, हर एक व्यक्ति की नजर इंडियन क्रिप्टो बिल पे थी। क्योंकि दोस्तों मार्केट में रायता फैला दिया गया था कि भैया ट्रस्ट वॉलेट बैन होगी क्या, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस जैसे बाइनेंस, यूबी, बिटमार्ट, हॉटबिट, ये सारे बैन हो जाएंगे क्या। और साथ ही साथ भैया लोग तो यहाँ तक सोचने लग गए थे क्या प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज या फिर दोस्तों बिटकॉइन, इथेरियम, ये सारे भी बैन होंगे क्या इंडिया में, सीबीडीसी का क्या होगा, गवर्नमेंट कब अपनी सीबीडीसी लेके आएगी, ये बहुत सारे कन्फ्यूजन थे जो दोस्तों न्यूज 18 के इस आर्टिकल में हर एक कन्फ्यूजन की आपको एक सॉल्यूशन मिलने वाली है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग अपडेट निकल के आ रही, उससे भी बड़ी खबर ये है दोस्तों, इंडियन क्रिप्टो मार्केट एंड अमेरिकन क्रिप्टो मार्केट दो ऐसे मार्केट है जिसे दोस्तों क्रिप्टो के दो बड़े स्तंभ भी आप कह सकते हैं। अगर दोस्तों इन दोनों मार्केट में थोड़ी सी अप डाउन होती है तो क्रिप्टो मार्केट हिल जाता है। लेकिन भैया यहां पे खबर निकल के आ रही कि भैया मोदी जी ने जो बाइडेन, जो कि दोस्तों अमेरिकन प्रेसिडेंट है, अमेरिका के राष्ट्रपति है, उनसे भी क्या थोड़ी बातचीत की है दोस्तों, इस पे भी बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। और दोस्तों इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है क्रिप्टो करेंसी पे, इस पे भी चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है, जरूर से वीडियो को टिल वेरी एंड देखिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो हो सकता है आपको बहुत बड़ा मुनाफा करवा दे। क्योंकि दोस्तों अगर हम देखें, जब से क्रिप्टो रेगुलेशन की बात हुई थी लेट नवंबर में, उसके बाद से दोस्तों अगर हम देखें तो मार्केट की उमंग खत्म हो गई थी, इन्वेस्टर्स डर डर के इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और दबा के प्रॉफिट भी नहीं कमा पा रहे थे। लेकिन दोस्तों यहां पर जो सबसे बड़ी खबर है क्रिप्टो करेंसी पर, बड़ी खबर संसद में इस सत्र में नहीं आएगा बिल, क्या है कारण जानिए दोस्तों। यहां पे अगर हम देखें न्यूज 18 की इस खबर से दोस्तों बहुत बड़ा धूम मच सकता है। दोस्तों न्यूज 18 आपको पता है बहुत ही रिनाउंडेड, बहुत ही ट्रस्टवर्थ यहां पे इंफॉर्मेशन मिलती है आपको। यहां पे अगर हम देखें क्रिप्टो करेंसी बिल, क्रिप्टो करेंसी बिल पर एक बड़ी खबर आ रही है, समझा जा रहा है कि इस संसद के इस शीतकालीन सत्र में, विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में संभवतः ये बिल पेश नहीं किया जाएगा, क्योंकि सरकार क्रिप्टो करेंसी के प्रस्तावित फ्रेमवर्क पर विचार कर रही है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर के जिन मुद्दों पर बहस चल रही थी उसमें व्यापक परामर्श, वाइडर कंसल्टेंसी की जरूरत है, जनता से टिप्पणी प्राप्त करने की आवश्यकता भी शामिल है, इस पर भी बहस की जरूरत है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो दो बड़ी बातें हमें हेडलाइन से ही पता चल रही है। भैया यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों जो इम्पोर्टेंट मुद्दे थे उस पर अभी वाइडर कंसल्टेंसी, यानी कि दोस्तों थोड़ी और बहस, बातचीत और सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। और इंडिया से आपको पता है ट्रेडर्स की संख्या वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। और भैया यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जनता, दोस्तों यहाँ पे जनता को इंक्लूड किया गया है, पहली बार शायद से ऐसा देखने को मिलेगा दोस्तों, शायद से किसी बिल में जनता की भी टिप्पणी को इंक्लूड किया जाने वाला है। जो कि दोस्तों अगर आप किसी क्रिप्टो लवर से पूछिएगा भैया क्या क्रिप्टो करेंसी को आप बैन करना चाहते हैं, तो आप में से कितने लोग ऐसे जो कहेंगे भैया नहीं बैन कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात आप क्लियरली समझ सकते हैं कि क्रिप्टो बैन का जो रिस्क था दोस्तों, बैन का सीन था, वो दोस्तों 90% अब एलिमिनेट होते हुए हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे जनता से भी टिप्पणी लेने वाली है। हो सकता है कुछ लोग नेगेटिव टिप्पणी भी करें, बट दोस्तों ज़्यादातर चांसेस है कि पॉजिटिव टिप्पणी ही हमें देखने को मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट किसी भी एक्शन को लेने से पहले थोड़ा डिस्कशन, थोड़ा समय लेना चाहती है, जो कि दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों जो डिसीजन सोच समझ के सही तरीके से लिया जाता है वो डिसीजन हर बार लोगों के हित में होता है और लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त माना जाता है। यहाँ पर CBDC को भी लेकर के थोड़ी असमंजस में है गवर्नमेंट, जहाँ पे दोस्तों बात हो रही है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की, RBI द्वारा जो लेके आने वाली थी गवर्नमेंट, उसको लेकर के भी थोड़ा सा डाउट है दोस्तों, क्या उसकी बिल साथ में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, इस पर भी थोड़ा चर्चा होना चाहिए।
तो यहाँ पे आप सभी को तीन बड़े खबर देखने को मिल रहे हैं स्टार्टिंग से ही। भैया क्रिप्टो करेंसी बिल जो सबसे पहले हमें इस बार के विंटर सेशन में टलते हुए देखने को मिल रही है, जो कि ट्रेडर्स की उमंग और उत्साह को बढ़ा सकती है और जनवरी में हमें बहुत अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि इंडिया से इन्वेस्टमेंट हो सकता है फिर से चालू हो जाए अगर 21 तारीख तक दोस्तों, जो शायद से आखिरी दिन है इस बार के क्रिप्टो सेशन नहीं दोस्तों पार्लियामेंट सेशन का, विंटर सेशन का जो आखिरी दिन है दोस्तों, अगर इस बार बिल नहीं आया तो भैया हमें 22 या 23 तारीख से दोस्तों एक अच्छी धमाकेदार पंप देखने को मिल सकती है इंडियन मार्केट में। और इंडिया के कॉइन्स काफ़ी अच्छे रैली दिखा सकते हैं, जिसमें दोस्तों नए कॉइन भी शामिल होंगे, क्योंकि दोस्तों इंडिया के जो मैक्सिमम नए कॉइन थे वो डंप कर गए थे जैसे ही क्रिप्टो करेंसी बिल की बात हुई थी, क्योंकि लोग जो है अपना पैसा निकालने लग गए थे बहुत बड़े बड़े कॉइन से भी और बहुत नए कॉइन से भी। तो हमें एक बार फिर से री इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकता है इंडियन कॉइन्स में दोस्तों। अगर हम बात करें यहाँ पे इस पूरे आर्टिकल में डिटेल में बताया गया है कि क्रिप्टो करेंसी बिल को लेकर के क्या होने वाला है, किस तरीके से कंसल्टेंसी होगी, क्या डिस्कशन हो सकता है। बट दोस्तों यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मोदी जी ने जो बाइडेन को लेकर के क्या बातचीत की है, जो बाइडेन से उनकी क्या बातचीत हुई, और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे अगर इंडिया और अमेरिका साथ मिलकर क्रिप्टो करेंसी को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स पे आते तो भैया इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये वाली बातें आप सभी को समझ लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं अभी आपको अच्छे से विस्तार से क्लियर करके बताने वाला हूँ। बट भैया उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें तो हम आ चुके हैं अपने VIP एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ की दोस्तों हम सिग्नल्स आपको प्रोवाइड करते हैं VIP सिग्नल, जिसके बाद लोगों को जबरदस्त प्रॉफिट देखने को मिला दोस्तों। यहाँ पे आप विथ प्रूफ देख सकते हैं दोस्तों, 13 दिसंबर को मैंने बफ डॉज क्वाइन के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे पोस्ट करके बताया था कि भैया तुरंत पंप दिखा सकती है, और दोस्तों अगले ही दिन बफ डॉज क्वाइन ने लगभग 40% का ग्रोथ दिखाया। उसके बाद अगर हम देखें एक्समाइन क्वाइन के रिगार्डिंग, मैंने आपको बताया अगले ही दिन लगभग 15-20% का प्रॉफिट आपको देखने को मिला दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, डॉज क्वाइन के रिगार्डिंग मैंने ब्रेकआउट की खबर आपको 3 दिन पहले दे दी थी, उसके बाद इलॉन मस्क का ट्वीट भी देखने को मिला, तो हमारी जो एक्यूरेसी की लेवल है दोस्तों वो 100% हिट हो जाती है, कई बार हिट हुई है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप हमारे VIP एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि कुछ दिनों के बाद हो सकता है आपको सब्सक्रिप्शन चार्ज देने पड़ जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हो जाता है भैया, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और अगर चैनल पे नए हैं तो भाई को सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि हम आप सभी के लिए टाइम टू टाइम ऑन रेगुलर बेसिस वीडियो लेके आते हैं बिना एक भी दिन मिस किए कि एक भी इंफॉर्मेशन आपसे छूटे ना। चलिए बढ़ते हैं क्रिप्टो बिल के ऊपर, और दोस्तों यहाँ पे आ गए हम उसी आर्टिकल में, जहाँ की दोस्तों नीचे में ही आपको दिखाया गया है सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट, जहाँ की दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने जो बाइडेन की तरफ से जो होस्ट की गई थी दोस्तों समिट, उसमें क्या कहा है दोस्तों। दो इंपॉर्टेंट बातें रखी गई है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो बाइडेन की समिट में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आप सभी को समझना दोस्तों। यहाँ पे अगर हम देखें तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बताया गया भैया सोशल मीडिया और क्रिप्टो करेंसी को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आने चाहिए, जिसमें दोस्तों पूरी दुनिया के लोग एकजुट होकर, पूरी दुनिया के सरकार एकजुट होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पे प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसे ही कुछ बातें कही गई, जहाँ की दोस्तों अगर आप देखिएगा यहाँ पे प्रैक्टिकली दोस्तों यहाँ पे बताया गया न्यूज 18 की तरफ से कि दोस्तों सबको एकजुट आकर के क्रिप्टो करेंसी और सोशल मीडिया को लेकर के कुछ करना चाहिए। अगर दोस्तों आप यहाँ पे एक लाइन को पढ़िएगा दोस्तों, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उसका उपयोग लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए किया जाए, ना कि इसे कमजोर करने के लिए दोस्तों। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट लाइन बताई गई है, एक इंपॉर्टेंट लाइन में आपको समझ में आ गया होगा कि मोदी जी का जो एक सबसे बड़ा कॉल है वो है दोस्तों पूरे दुनिया भर को, सरकार को एक साथ मिलके एक यहाँ पे बिल या फिर दोस्तों कह लीजिए कुछ नियम लाने की बात की जा रही है, जो कि दोस्तों अभी कन्फर्म नहीं है ये होना है या नहीं होना है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ऐसा कहा गया है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के और सोशल मीडिया को भी लेकर के, जिसका इम्पैक्ट हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी हो सकता है मार्केट के लिए दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी कंट्री में दोस्तों क्रिप्टो के ATM लगे हुए हैं, बिटकॉइन ATM लगे हुए हैं, जहाँ से आप पैसे को लगातार जाके बिल्कुल आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जब वहाँ पर इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज देखने को मिल रही है दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका की कंट्री El Salvador में दोस्तों क्रिप्टो करेंसी जो है लीगल कर दी गई है, तो हो सकता है दोस्तों कुछ पॉजिटिव निकल के आ जाए या फिर कुछ
नेगेटिव निकल के आ जाए, लेकिन दोस्तों इससे मार्केट में हलचल बहुत ही जबरदस्त हो सकती है। और दोस्तों इंडिया की बिल पे सबकी नजर टिकी हुई है, और साथ ही साथ दोस्तों अमेरिका में भी काफी जोर शोर से क्रिप्टो करेंसी को लेकर के काम चल रहा है कि क्रिप्टो करेंसी को किस तरीके से नियंत्रण में किया जाए, या फिर दोस्तों कुछ रूल्स या फिर नियम्स लेके आया जाए, या फिर टैक्स लगाया जाए, इन सारी चीजों पर वहां भी काम चल रहा है। तो दोस्तों न्यूज को बिल्कुल भी मिस मत किया कीजिए, क्योंकि दोस्तों यहां पर अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली दो बड़े कंट्रीज क्रिप्टो करेंसी को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर सकते हैं इन कमिंग टाइम्स। लेकिन गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि अभी की जो क्रिप्टो करेंसी बिल की स्थिति इंडिया में है वो कुछ समय के लिए टल गई है दोस्तों, और हो सकता है आपको नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन में क्रिप्टो करेंसी बिल पर डिस्कशन देखने को मिल जाए। बट इस बार चांसेस काफ़ी कम हो चुके हैं कि इस बार के क्रिप्टो करेंसी सेशन में आपको कुछ डिस्कशन देखने को मिले। तो दोस्तों अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो थोड़ा ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ जरूर से याद रखना है, क्रिप्टो करेंसी थोड़ी रिस्की जरूर से है। तो अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने रिस्क कैपेसिटी को देख करके वही पैसे डालें दोस्तों, जिससे आप खोने से ना डरें, क्योंकि दोस्तों क्रिप्टो करेंसी जरूर से रिस्की है, और अपनी रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट किसी क्वाइन में करें। तो प्रैक्टिकली दोस्तों यहाँ पे जो पूरी न्यूज़ थी वो मैंने आपको पहुँचा दी, और दोस्तों जो सबसे बड़ी खबर यही निकल के आई है इंडिया की तरफ से अब तक कि हो सकता है इस बार आपको जो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है उसमें क्रिप्टो करेंसी बिल देखने को ना मिले। फिर मिलेंगे दोस्तों आप सभी से अपने अगले वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मित्रों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि सभी को क्रिप्टोकरेंसी बिल के बारे में पता लग जाए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दी वीडियो माय डियर फ्रेंड।